बच के निकल लो। और हमसे पंगा लेंगे।
क्या चल रहा है यार? अरे कुछ नहीं सर, इस एरिया में झगड़े मस्ती ये सब ज्यादा होने लगा है, तो इन सबको कैसे रोका जाए बस ये डिस्कस कर रहे थे। क्यों, हम यही कर रहे थे ना? मैं सच कह रहा हूँ सर। डिस्कशन करते हुए ये क्या हुआ रे? हाँ, तुझे किसी ने मारा है? इसने मारा है क्या? बोल, घबराने की बात नहीं है, इसी ने मारा है ना? जल्दी बोल। फिसल गया सर। सर वो पैर फिसल के गिर गया सर। कहाँ पे? सर वो यहीं पर सर। कौन गिरा था, तू या ये? ये सर। कहाँ पे? यहीं पर सर। कहाँ गिरा था? कब से कह रहा हूं यहीं गिरा था। ऐसा गिरा सब भूल गया सर। तुम लोग छोटे बच्चे हो, जवानी में झगड़ा कॉमन बात है, लेकिन अगर लिमिट क्रॉस हुई तो यहीं पर गिरोगे, क्योंकि मैं अपने लिमिट भूल जाऊंगा तब। मैं कुछ समझा नहीं सर। यू शट अप। हे, बी इन योर लिमिट्स। तू बच गया, लेकिन कल कबड्डी मैच में नहीं बचेगा। वो हमें मैच की धमकी देकर गया है। अरे हाँ, कल ही तो मैच है ना। ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस करते हैं यार। Thank you.
हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। लक्ष्मी एग्जाम चल रही है, अक्टूबर में शायद ये देना पड़े। मुझे देखना छोड़ के पढ़ाई करना शुरू कर दे तो मार्च में ही पास हो जाओगी। पढ़ाई पे ध्यान दे। कल होती तो तेरा भाई थोड़ी होता। सीधे दरवाजे से नहीं आ सकते क्या? मेरा रूम है, मेरी मर्जी, तुझे क्या? और वैसे भी इन बंदरियों के साथ तू गरबा क्यों खेल रही है? हाँ? आशा, तुम अपने भाई को हैंडल करो या हम करें? हाँ? ये बंदरियां नहीं, भूखी शेरनी लगती हैं। मुझे नोच तो नहीं दोगी ना? देख आशा, तेरा भाई अब तो हद पार कर रहा है, तू देखती है या मैं देखूं इसे? क्या देखोगी, मैं भी देखूं? हिम्मत कैसे हो
बोल हमें बंदर कहने की। चबा जाएंगे। मुझे क्या मुर्गी समझ रखा है, चलो निकलो यहाँ से। ये गुड़िया, खिलौने, नाच गाना क्या चल रहा है ये सब? ये मेरा रूम है या तुम्हारा रूम है? ये तुम्हारा रूम नहीं है, मेरा है। डैडी ने मुझे यूज करने दिया है। तू क्या यूज करेगी? दूध के दांत टूटे नहीं और तुझे सेपरेट रूम चाहिए? रात होते ही माँ के आंचल में जाकर छुप जाती है। चल निकल यहाँ से। हम कोई बच्चे नहीं रहे अब, हम बड़े हो गए हैं। हाँ, अरे आशा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था, देना। क्या लाए हो भैया? ये सब हम लोगों ने बचपन में ही छोड़ दिया है, तुम ही एंजॉय करो। चलो रे, हम लोग डांस करते हैं। मतलब तुम लोग बाहर नहीं जाओगे, क्यों है ना? चलो कोई बात नहीं, मैं अपने रूम में कोई शर्म लिहाज नहीं रखता, एकदम फ्री रहता हूँ। मैं सब यहाँ से सुन रही थी। ये प्याज काट देना। तो मुझे तो आंसू आ जाते, मैं नहीं काटूंगी। अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगी तो कल ससुराल जाकर रोना पड़ेगा। इनकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। इसका मतलब तुम मानती हो कि तुम बच्ची हो। वेरी गुड, ये लो, ये लॉलीपॉप खाओ। अरे अरे अरे, ये क्या है माँ, ये सब काम तुम क्यों कर रही हो? अरे ये जवान लड़का है ना घर में, लाओ लाओ लाओ, मैं करता हूँ, तुम जाओ, तुम जाकर आराम करो। देखा, अपने भाई से कुछ सीख। इससे ये साबित होता है कि मैं आपका फिक्स डिपॉजिट हूँ। अच्छा माँ, फिक्स डिपॉजिट से मुझे याद आया कि तुम्हारे बैंक में बैलेंस कितना है? 73,000। अगर उसमें से 4,000 निकाल दो तो? 69,000। देखा तूने, माँ हिसाब में क्वीन है। आज तुम मस्काबाजी में। तो माँ, तुम मुझे 4,000 रुपए दे रही हो ना? ऐसा मैंने कब कहा है? अभी तो तुमने कहा ना कि 73 में से 4 निकाल दो तो 69,000 बचते हैं। तुझे क्यों चाहिए 4,000 रुपए? 500 मैं तुझे देने वाला हूँ। मम्मी अब जल्दी करो। माँ यहाँ मुझे अपना ऑटोग्राफ देना तो जरा। ओ, तूने चेकबुक भी रेडी करके रखा है। इन पैसों का कोई हिसाब किताब है कि नहीं? पिछले सारे हिसाब लिख कर रखे हैं। आपने फिर से काम करना शुरू कर दिया। अरे मैं हूं ना, तुम हटो हटो, मैं कर देता हूँ। रेडे रेडे, गर्मा गर्म पकौड़ियाँ रेडी हो गई, आ जाओ खाने को, आ जाओ पकौड़। गर्मा गर्म पकौड़ियां खाएंगे? रुक जा, कितनी बार तुझे बताना पड़ेगा एरिया में होने वाले झगड़े मत पड़ा कर। मैं कहां पढ़ता हूं, आपको तो पता ही है कि वो सोडा गैंग वाले क्या करते हैं। वो सब देखने के लिए हम है ना, तू कौन होता है कानून को हाथ में लेने वाला? सुन, जोर मिटाना तो पहले आईपीएस की पढ़ाई पूरी कर, उसके बाद दिखाना अपना जोश। पढ़कर ही हासिल करने की जरूरत नहीं है, जॉब तो स्पोर्ट्स कोटा से भी मिल सकता है। स्पोर्ट्स प्रैक्टिस कर रहा होता तो अफसोस नहीं होता, लेकिन आजकल तेरी प्रैक्टिस चल रही गलियों में झगड़ा करने में, ऐसी प्रैक्टिस क्या हासिल करेगा ये? आप जब देखो मेरे बेटे को डांटते रहते हैं, वो एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। वही तो, लेकिन कब? मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। पता चला ये तो बड़ा नहीं हुआ लेकिन हम बूढ़े हो गए। हाय बच्चे, एनीवे पकौड़ियां अच्छी बनी है। आपके मुंह से तारीफ, सुपर्ब। लगता है गालियां दे रहे हैं। अगर कोई अच्छा काम करता है ना तो उसकी तारीफ मैं जरूर करता हूँ, और तेरी माँ वाकई बहुत अच्छा खाना बनाती है। इन्हें बनाने वाला मैं ही हूँ। हो, इसका मतलब कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम होटल तो जरूर खोल लोगे तुम। सुपर्ब आइडिया डैडी। ए, तू अंदर जाके पढ़ाई कर। माँ, तुझे देखकर बहुत तरस आ रहा है मुझे। वो क्यों? उस दिन हम दोनों बैंक गए थे। बैंक में क्या हुआ? लगातार हंसी मजाक चल रहा था। किसके साथ? लेडी मैनेजर के साथ। हाँ? कहाँ है वो लड़की? लड़की कहाँ है? लड़की पकौड़िया यहाँ दीजिए। बहुत अच्छे, अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। उस दिन बैंक में क्यों गए थे? अरे कैश विड्रॉ किया था ना। ओहो, कैश विड्रॉ करने गए थे। लेडी मैनेजर ने दिए होंगे। मुझ पर शक कर रही हूँ। पकौड़िया खाइए डैडी।
पकौड़िया बाद में खाना, उसके साथ क्या पक रहा है वो पहले बताइए। कल मेरा मैच है, प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। इतने टिप टॉप रेडी होकर जाते हैं, बाहर जाकर यही काम करते हैं। अरे तुम कैसी बात कर रही हो? कैसी बात है क्या? बात तो सुनो। आज उसके अरे ऐसा कुछ नहीं, नहीं पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा अरे छोड़िए, बात तो सुनो मेरी। नहीं सुन रहा है। किसने कहा ये? आज इस मैदान पर होने वाले राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियन मैच में चार मीनार और गोलकुंडा टीमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। चार मीनार टीम के कैप्टन अजय ने गेम स्टार्ट किया और गेम स्टार्ट करते ही उन्होंने पॉइंट ले लिया। गोलकुंडा टीम के कैप्टन आ रहे हैं, राइड कर रहे हैं और ये किया और ये आउट। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन, क्या बात है। चार मीनार टीम से लल्लू, लल्लू राइड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं और ये फ्री किक, कोशिश अच्छी कोशिश, घेर रहे हैं उन्हें गोलकुंडा टीम के लोगों ने घेर दिया है और ये लल्लू कोशिश कर रहे हैं और इतना पॉइंट। गोलकुंडा टीम के खिलाड़ी छूने की कोशिश, पॉइंट लेने की कोशिश, चार मीनार के लोग घेर रहे हैं और ये कोशिश, एक को टच किया और ये पॉइंट। चार मीनार टीम के अजय राइड कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, टच करने की कोशिश, दो को टच किया और ये पॉइंट। ए इसने मुझे कहां टच किया? टच किया मैंने। अरे कहां टच किया, ये झूठ बोल रहा है। चार मीनार के लिए क्या बोल रहा है? चार मीनार टच नहीं किया, झूठ बोल रहा है। क्या झूठ बोल रहा है? रेफरी मॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं उन्हें, देखते आगे क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं प्लेयर्स में जज्बा बहुत है, वो अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, कहीं मत जाइएगा और बेहतरीन खेल के इंतजार में हम सब यहाँ पे मैदान में डटे रहेंगे। पोजीशन चेंज और फिर से मैच शुरू। अजय ने गेम स्टार्ट किया, गेम स्टार्ट करते करते डिफेंडर्स के साथ वो राइड कर रहे हैं और उन्होंने अजय को पकड़ लिया है। अजय बॉर्डर को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश, जोर लगा दिया, जोर लगा रहे हैं अजय, पूरी कोशिश कर रहे हैं, टच कर पाएंगे या नहीं देखते हैं। बहुत ही शानदार समय है और गोलकुंडा की टीम ने अजय को पूरी तरह से दबा के रखा हुआ है और अजय ने हार मान ली निराश होते हुए। गोलकुंडा के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा हुआ, फिर से जीतने की कोशिश, अजय को हराने के बाद दूसरे खिलाड़ी को दिया। आज हो रहे इस कबड्डी मैच में दोनों ही टीमों ने बराबरी का प्रदर्शन किया है, 17-17 पॉइंट के साथ दोनों टीम बराबरी पे हैं। अब मैच का आधा हिस्सा, देखते क्या होता है। गोलकुंडा टीम से राइड करने आ रहे हैं, काफी अच्छा खेल खेलने की कोशिश, घेर रहे उन्हें, घेर रहे हैं, चार मीनार ने घेरने की कोशिश की और ये पॉइंट गोलकुंडा की तरफ। चार मीनार टीम के कैप्टन आ जाए थोड़ी टेंशन में, क्या करना है आगे की प्लानिंग, राइड करेंगे और ये गोलकुंडा की टीम की तरफ कोशिश, पूरी कोशिश है कि अजय इस बार कुछ पॉइंट्स लेकर के आए। गोलकुंडा टीम के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा हुआ और उन्होंने घेरने की कोशिश की, अजय को घेर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, पॉइंट लेकर के क्या पाते हैं नहीं, और ये पॉइंट और ये अजय की बदौलत चार मीनार फिर से गेम के अंदर और दोनों ही टीमों के पास 23-23 पॉइंट। लास्ट ड्राइव, गोलकुंडा के पास ये आखिरी मौका मैच को जीतने का, लेकिन चार मीनार टीम भी इतनी आसानी से मैच को हारना नहीं चाहती है और ये खेल शुरू हुआ। गोलकुंडा टीम के आखिरी खिलाड़ी विरोध लाइक कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और इस तरीके से उन्हें आउट कर दिया और ये चार मीनार के लॉस्ट पॉइंट और ये चार मीनार के सारे खिलाड़ी गिरा में स्टॉप कर जाते उठाते हुए दर्शक भी मैदान के अंदर घूमते हैं। इस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चार मीनार ने जीत हासिल की है। चार मीनार फाइनल के लिए कर्नूल में खेलेगी 5 तारीख को। ला मुझे दे, मैं पकड़ती हूँ। नहीं मम्मी, ज्यादा वजन नहीं है। सुन अजय, ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा मौका है। हमारे डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स वहां आने वाले हैं और वही ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड में भी बैठेंगे। अगर अच्छा खेलोगे तो उनकी नजर में आ जाओगे। तुम्हारी माँ हमेशा कहती कि तुम मुझसे ज्यादा तरक्की करोगे, तुम्हें यह बात साबित करनी है। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट। ये पैसे रख लो कुछ, ये इतना काफी है। वो कैश विड्रॉ हमारे लिए नहीं किया था क्या? अच्छा, फिर से बैंक गए थे। चलिए आप अंदर, फिर आपकी खबर लेती हूँ। अच्छा तू अब निकल बेटा, ये ले तेरे लिए लड्डू, रास्ते में खा लेना। लड्डू वड्डू नहीं चाहिए, वैसे भी मैं परेशान हूँ कि खर्चा कैसे चलाऊंगा। ये कोई मामूली लड्डू नहीं, लक्ष्मी जी का प्रसाद है इसमें।
उसे नहीं चाहिए तो जबरदस्ती मत करो, मुझे दे दो। आप रुकिए जी, ये सिर्फ इसके लिए। अच्छा ये वाला लड्डू है, तो पहले बताना था ना, ये तो मुझे काफी पसंद है। अच्छा टाइम हो गया, मैं चलूं। ऑल द बेस्ट भैया। ओके डियर। अरे लड्डू मेरा सूटकेस कहाँ है यार? सब सेफ है भाई, अरे हम लोग हैं ना उठाने के लिए। सारे लोग उतर गए ना, तो चलो आओ। अरे कुमार कहाँ रह गया? और कहाँ होगा हमारा मजनू, किसी लड़की से टाका भिड़ा रहा होगा। देख आ गया कुमार। अरे कुमार कहाँ रह गया था यार? अरे अजय बहुत प्यारी लड़की थी यार। कौन बे? देख एड्रेस लाया हूँ, मजा आएगा। सच कह रहा हूँ बहुत खूबसूरत थी। सुनो बॉयज, ये तुम्हारा शहर नहीं है, यहाँ थोड़ा संभल के रहना। कम ऑन बॉयज, चलो चलो चलो। अरे ये मुझे दे, ये मेरे लिए है। ए, 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 ये कहाँ है? पकड़ो इसे, पकड़ो। मर गया। चलो इतने शौक मत हो, इस शहर में तो ये सब बहुत कॉमन है। चलो चलो निकलते हैं यहाँ से, चलो। क्या हुआ, अपनी कमर घुमा? हाँ वैसे ही शर्मा क्यों रहा है? क्या बात है। एग्जाम्स नजदीक आ गए हैं, मेरी कुछ प्रेपरेशन भी नहीं हुए हैं। पता है इस बार मुझे कहा गया है कि पेपर स्टफ आने वाले हैं। तुझे टाइम मिलेगा तो शाम को मेरे घर आ जाना, दोनों साथ बैठकर पढ़ेंगे। सपना बेटी, एक साथ बैठकर डाउट्स। बेटी सुनो, बेटी जल्दी अपने घर पहुंचो। क्यों, क्या हुआ? घर में कोई हादसा हो गया। पिताजी को कुछ? पिताजी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे भाई को मार डाला गोवर्धन ने। Oh, my God.
का पानी पी लो बहन, ऐसा नहीं करता। जरूर सुरेश को बता दिया ना आप लोगों ने? हाँ बता दिया। बहुत अच्छी जमती थी दोनों की, 10th क्लास तक के एक साथ पढ़ाई की थी। सुनिए सब कुछ शास्त्र के हिसाब से ही होना चाहिए, सबको बुला लिया है ना, जल्दी कीजिए आप। तेरे भाई को मेरी चिता में आग देना चाहिए। इतना बदनसीब हूँ कि मैं इसकी चिता में आग दे रहा हूँ। हे भगवान, मार मुझे। चल मार। कहा ना तुझे मारने को? आया था बड़ा मुझे मारने। ये होता है असली मारने का तरीका जाड़िए। नस के ऊपर ऐसा मारो कि सामने वाले को नानी याद आ जाए। थू! क्या हाल है छोटे साले? है ले जाओ इसे। इस तरह क्यों घूर रहे हो? तुम्हारी आंखें तो मिर्ची की जैसी लाल लाल हो रही है। भाई की मौत पर रोने की वजह से यह हुआ या मुझसे बदले की आंख से? हाँ तुम्हारी हालत में समझ सकता हूँ। ए साले साहब के लिए छाछ लेकर आ, उसमें बर्फ भी डाल देना, ठंडा हो जाएगा। अरे मैंने कुछ नहीं किया, धन दौलत नहीं चाहा और ना ही तुम्हारे घर पर कब्जा करना चाहा, फिर भी उसने थूक दिया मुझ पर। 10 लोगों के सामने मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया। अरे इस गांव में मेरी बहुत इज्जत है। हाँ इसीलिए ढूंढ कर उसे मार दिया मैंने। चलो अब चलकर छाछ पीते हैं। बहुत बढ़िया। सब काम सही चल रहा है। आओ ना मां उस तरफ। ये क्या है रे? हाँ प्याज के साइज जितना है।
इतना बड़ा होना चाहिए कि जब फूटे तो सब तबाह हो जाए। क्या रे, ये सब माँ को ही देखना पड़ेगा, अपने काम पर ध्यान दो। चलो माँ, उस तरफ चलो जी। चलो है बड़ा बना जी। हाँ चलो, रास्ता छोड़ो, तुम आओ माँ। चल हट, चल गाड़ी चालू कर। आ जाओ माँ। अरे सबके सब गाड़ी में बैठो। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते माँ जी। कहाँ जा रहे हैं? बैठिए बैठिए ना। अरे 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 लहार दे, बड़े साले साहब ये तुम्हारे लिए और ये छोटे साले साहब के लिए। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। ससुर जी सपना कहाँ है? हाँ बैठ जा बैठ जा दशरथ राम रेड्डी, बैठ जा। कार में बॉम्ब लगाकर 20 लोगों को मार दिया। पता चला कि हमारे दुश्मन बस में चढ़ गए हैं तो हमने पूरी बस को ही जला डाला। प्रॉपर्टी की वजह से कुछ झगड़ा हुआ तो कुछ इलेक्शंस की वजह से झगड़ा हुआ, ऐसे ही कुछ 30-40 केस हमारे नाम से कोर्ट में चल रही, लेकिन मेरे खिलाफ किसी के पास कोई सबूत नहीं है और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि वो मेरे खिलाफ बोल सके। इससे तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मेरी पावर क्या है। जिस पर दिल आ गया वो चाहे बच्चे की माँ हो या चाहे विधवा हो, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। गांव की लगभग सारी औरतों को मैंने अपनी ताकत का एहसास अब तक करा दिया है और तुम सिर्फ अकेली हो जिस पर मैंने जोर जबरदस्ती नहीं की। पता है क्यों? आई लव यू। ये कली कब फूल बनेगी इसी का इंतजार कर रहा था। तुम मेरे सपनों में आती हो, रुलाती हो, हंसाती हो, तुम ही मेरा प्यार हो, मेरी जिंदगी की, मेरे दिल के साम्राज्य की तुम महारानी हो। अगर हमारी शादी के बीच में कोई आया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अरे बेटा वो छोटी बच्ची है इसलिए शर्मा रही है, बड़ी मैं आई हूँ ना। तू रुक मैं बात करती हूँ। देखो दशरथ राम रेड्डी, दुख को भूलकर आगे बढ़ो। तुम चाहे कितना भी रो लो, जो भी करो, क्या वो लौट कर आएंगे? मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से प्यार करता है, शादी भी करना चाहता है। जात मिल गए इसलिए मैंने हाँ भी कह दिया। मुझ में और मेरे पति में कम से कम 15 साल का अंतर था, मगर तेरे बेटे ने मुझसे ये सवाल पब्लिक में पूछा। हैं? दुनिया में क्या मैं ढिंढोरा पीटूं? क्या मेरी शादी नहीं हुए, बच्चे नहीं हुए? देखो दुख और सुख तो हर किसी के घर में लगे ही रहते हैं। एक बात तू गांठ बांध ले, अगर तेरी बेटी की शादी हुई तो मेरे ही बेटे से होगी। शादी की पत्रिका लिखवा लेते हैं, अगर कोई मेहमान है तो बुलवा लो, ठीक है? चल और भी काम है। चलो जा रहा हूं मैं। आई लव यू। उस शैतान से शादी करूंगी बेटा जी। सप्ता आप मुझे मना मत कीजिए, कम से कम मुझे अब तो ये काम करने दीजिए। पहले ये काम किया होता तो मैं यहां में इस तरह छोड़कर नहीं जाते। दोनों जमात बेटे खोने के बाद मैं अपनी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद कर दूं। पिताजी आपने जिंदगी में आज तक कभी समझौता नहीं किया है। पढ़ने की ख्वाहिश रखने वाले बड़े भैया को आपने कभी पढ़ाई रोकने को कहा क्या? बच्चों के पास रहने के लिए माँ अपनी नौकरी छोड़कर हमारे पास आई थी ना, ये सब आपने हमारी खुशी के लिए ही किया था ना। तो आज अगर आपकी खुशी के लिए मैं ये शादी कर लेती हूँ तो क्या गलत है? इस दुख से, इस जालिम इंसान से अगर हमें पीछा छुड़ाना है तो यही एक आखिरी रास्ता है पिताजी। इससे तो अच्छा है कि तीनों जहर पीकर एक साथ मर जाएं। तुम्हारी शादी उस हत्यारे के साथ नहीं कर सकते बेटी। अगर हम सबकी खुशी चाहती हो तो जैसा कहता हूँ वैसा करो। ये लो, तुम्हारी शादी के लिए जो पैसे जुटा कर रखे थे निकाल कर लाया हूँ। तुम्हारे सर्टिफिकेट्स भी मंगवा लिए हैं,
ये सब लेकर कहीं दूर चली जा बेटी। यहाँ से कहाँ जाऊँ मैं पिताजी? रुको, अभी बताता हूँ। अमेरिका से तुम्हारे चाचा ने कितने लेटर्स भेजे। तुम पढ़ाई में अच्छी हो, अपने परिवार में सबसे होशियार हो, इसलिए वो कब से अमेरिका बुला रहे थे। मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं भेजना चाहता था, इसलिए लेटर्स मैंने छुपा दिए थे। लेकिन अब जाओ बेटी, चाचा के पास चली जाओ। तुम्हारा जिंदा रहना फिलहाल वही हमारे लिए बहुत है बेटी। पिताजी, पर आप लोगों को छोड़ बहुत सोच समझ करके मैंने फैसला किया है, और कोई रास्ता नहीं है बेटा। चाचा के पास जाओ, सुबह होते ही सबकी जिंदगी में नया सूरज आता है, लेकिन हमारी जिंदगी में वो दरिंदा आता है। चली जाओ बेटी, मेरी बात मान लो बेटी। और कुछ मत बोलो, सब ठीक रहा तो हम भी मौका देखकर वहाँ आ जाएंगे। अब और देर मत करो, निकल जाओ बेटी, निकल जाओ बेटी, एक बात निकल जाओ बेटी, यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। देखिए इंजन में क्या आवाज आ रही है, मुझे गाड़ी वापस लेके आनी पड़ी। ये क्या है सपना, तुम ऐसे क्यों भाग रही हो? मेरा क्या होगा सपना, जरा सोचो। सोचो कि हमारी शादी हो गई है और तुम्हारे दोनों भाई जो कि मर चुके हैं, वो हमारे बच्चे के रूप में दोबारा जन्म लेने वाले हैं। चलो 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 चलो। अरे तुम इतने आंसू क्यों बहा रही हो? मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने में शर्म आ रही है। तुम मेरे दिल को देख कर बोलो, आई लव यू। बोल क्यों नहीं रही हो? आई घर पर बोलोगी? चलो, ए, क्या हुआ? ए, अरे चल, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे लॉलीपॉप। थैंक यू भैया। मम्मी, भैया का फोन है, मम्मी से बात करोगे? इतना टाइम नहीं है, थोड़ी देर में मैच स्टार्ट होने वाला है। माँ को बोल देना शाम में निकलने वाला हूँ। चल ठीक है, रखता हूँ। थैंक यू। वैसे आते समय तेरे लिए लॉलीपॉप ले आऊंगा। बाय। चल। बहुत नाटक हो गया तेरा। चल। चल जा। आ जा। अब। चलना है गाड़ी में। रास्ते में सबके सामने, वो भी शिवा रेड्डी के इलाके में
इसने शेयर एडी को मारा या आखिर है कौन? ये कहीं से भी हमारे शहर का तो नहीं लगता। वो देखो आ गए उसके आदमी। अब इसकी खैर नहीं। वो इसी के आदमी है, ये मुझे जान से मार डालेंगे। क्या करूंगा? कहाँ जाना है आपको? मुझे नहीं पता। हाँ? ये लोग फैक्शनिस्ट हैं। जल्दी चला, जल्दी। अबे जल्दी करना। Come on,
किधर गया? किधर गए? आगे ढूंढो, ये नहीं है, छुपे होंगे। मुझे दिख रहे हैं क्या? अरे भाग गए सब, सारी झाड़ियों में ढूंढो, नीचे जा, नीचे छुपे होंगे। आप अपनी जान खतरे में मत डालिए, आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मेरी फिक्र मत कीजिए, ये लोग राक्षस हैं, आपको भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं इसे अपनी बदकिस्मती समझूंगी। आप चले जाइए प्लीज। एक बार युद्ध शुरू होने के बाद आधे में छोड़ना मर्दानगी नहीं होती। तुम्हारे शहर में कबड्डी खेलने आया था, पर यहाँ कबड्डी ग्राउंड में नहीं, जंग के मैदान में खेलनी होती है। चलो मेरे साथ। कौन है रे तू? हाँ ची 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 ची, बहुत गलत किया तूने। मेरे पास से 1 करोड़ लेकर जाएगा तो वो मैं कमा लूंगा। अरे अगर 10 किलो सोना लेकर जाएगा तो भी मैं खरीद लूंगा, लेकिन लेकिन मेरी जान ले जाएगा तो कैसे चलेगा? अरे वो मेरी हार्ट है, लाइफ है, वाइफ है। ए डार्लिंग, आई लव यू। ये सपना, अगर बिजली है तो मैं बादल हूं,
ये सपना अगर दिवाली की रंगोली है तो मैं उसमें का जलने वाला दिया हूं रे। इस पर नजर उठाने वाले को मैं यहीं पर गाड़ दूं और तू मेरे दिल में छुरा भोंककर इसे उड़ा ले जाएगा। तूने शेर के मुंह में हाथ डालने की जरूरत की है, इसीलिए मैं तुझे कोई आसान मौत नहीं मारूंगा। तुझे मैं काट के रख दूंगा और तेरे छोटे 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 टुकड़े करके अपने और इसके प्यार की निशानी बनाऊंगा। ओए, इसके बॉडी में से जिसे जो पार्ट चाहिए काट लो, जाओ ऐश करो। रुको 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 रुको, इसे मत मारो, पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ। पता नहीं कि जिन की जान चिराग में होती है या नहीं, लेकिन तेरी जान इसके पास है यह मैं समझ गया हूं। मुझे मेरी जान जितनी प्यारी है उससे कहीं ज्यादा तुझे इसकी जान प्यारी है। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो। सपना के शरीर पर अगर छोटी सी भी चोट आई तो मैं सह नहीं पाऊंगा। अरे तुझे क्या चाहिए बोलना, इसे कुछ मत कर, कुछ मत कर। देख देख देख, इसे लग जाएगी। इधर आ इधर आ। अरे आना, आ गया आ गया आ गया आ गया। लुंगी उतार उतार लुंगी उतार बे उतार उतार उतार। देख देख देख, उतार दिया उतार दिया इसने। चल फैला इसे। अरे फैला ना। फैला दिया फैला दिया। अपने सारे हथियार इसमें फेंक दो, जल्दी करो वरना इसे। सुन क्या रहे हो, जल्दी डाल 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 डाल, सब डाल, सब हथियार डाल, सब सब डाल डाल। देख देख देख, सब डाल दिया। काट मार इसे, पोटली बना इसको। ये मैं कर देता हूं। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, अब तो इसे छोड़ दे। इधर आ इधर आओ। अरे आना रे। आ गया आ गया आ गया। बोरी उठा और जिप्सी में डाल दे, और जिप्सी के अलावा सारे गाड़ियों के टायर की हवा निकाल दे। अरे हथियार उठो और गाड़ी में डाल। ए तुम लोग जाकर गाड़ी में से हवा निकालो, जाओ जाओ। अरे जाओ रे। देख 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 भाई, हथियार जिप्सी में डाल दिए हैं, सारी गाड़ियों में से हवा निकाल दी। अरे अब तो मेरी जान को छोड़ दो, देखो इसे दर्द हो रहा होगा। तुम जाकर जिप्स में बैठ जाओ। ये चाकू पकड़ो, पकड़ो इसे। Oh,
जिंदगी एक संघर्ष है, पर कभी डरना नहीं, तबाही का ये तूफान है, सूलड़ खड़ाना नहीं। सुन ले खुदा दे दे दुआ, तुझसे करो फरियाद। तो होना चाहिए, रिश्तेदारों के घर नहीं गया है वो, और नहीं दोस्तों की जरूरत नहीं है, जल्दी से उतरो। प्यार से समझाया था कि ये मैच अगर जीत गया तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी, पर वो मैच में गया ही नहीं। कहाँ गया है तुम्हारा बेटा? अगर वो अपना टैलेंट वहाँ दिखाता तो अब तक उसका कुछ भला हो जाता। सारे ऑफिसर्स बोल रहे थे कि सर वो आया ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं। मेरा सर शर्म से झुका दिया उसने, पता नहीं कहाँ गया, और उसने कुछ इन्फॉर्म भी नहीं किया अभी तक। ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार की वजह से हुआ है। मैं कहता था कि हमेशा डिसिप्लिन में रखो। मेरे गर्दी करते करते वो देखो कहां से कहां निकल गया। वो मैच खेलने जा रहा था, इसलिए मैंने उसे कुछ पैसे दिए थे, सोचा था जरूरत के वक्त काम आएंगे। मुझे लगा ही था, अंदर जाओ। मैं इस तरह पैसे देने नहीं चाहिए उस गधे को। जब भी मुंह खोलता सिर्फ झूठ बोलता है, और तुम अपनी ममता में इतनी पागल हो गई हो कि उसकी हर बात पर भरोसा कर लेती हो, और हर बार सिर्फ उसी का साथ देती हो। और उस बैंक वाली औरत का असली किस्सा बताऊं तुम्हें? उस लड़की से जाके बोलता है कि मेरे पिताजी आपको भूल नहीं पा रहे, और वो लड़की मुझे कॉल करके समझा रही है कि सॉरी सर मैं आपकी पत्नी को धोखा नहीं दे सकती, ये सब बोल रही है वो। छी, ऐसे कारनामे करता है वो। अगला मैच उसे हर हाल में जीतना ही होगा। मैं कभी मंदिर नहीं गया, लेकिन उस नालायक की वजह से मैं मंदिर गया, भगवान के पैर पकड़े मैंने। हाँ हाँ याद है मुझे, प्रसाद भी तो लाए थे। अब मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम, आज या तो वो नहीं या मैं नहीं, ये फैसला हो जाना चाहिए। हाँ हाँ डैडी, इस बार रुकिए मत, मेरे लिए भी बड़ा सिर दर्द बन चुका है, करियर को भी सीरियसली लेना चाहिए ना। देखिए मैं कितनी अच्छी से पढ़ाई करती हूँ। आने दो उसे, देखता हूँ इस बार क्या बहाना बनाता है। कुछ भी बोले, नो एक्सक्यूज, करियर से बढ़कर है क्या कोई चीज? ये पहनना चाहता हूँ उसको मैं, आने दो। उसने सिर्फ मेरी ममता देखी है, लेकिन आज उसे उसकी नानी याद दिलाऊंगी। सोचता है कुछ भी करेगा और छूट जाएगा। मैं जाकर एक बार मुंह दिखा के आता हूँ, तुम यहीं पर रुको। ये लीजिए, मुझे मारिए पिताजी, मेरी हड्डी पसली तोड़ दीजिए। टूर्नामेंट तक जाकर अगर पार्टिसिपेट ही ना किया हो तो आपको ही क्या, दुनिया के किसी भी पिताजी को गुस्सा आएगा। मुझे मारिए पिताजी, पूरी चमड़ी उधेड़ दीजिए मेरी। एसएससी एग्जाम से बचने के लिए मैंने बुखार का बहाना बनाया, तब आपने मुझे नहीं मारा। अगर आपने तभी मुझे मारा होता तो आज आपको यह दिन देखने की नौबत ही नहीं आती।
वहां जाकर मैंने क्या किया? अपनी माँ का नाम मिट्टी में मिला दिया। मुझे मारिए, मारिए पिताजी मुझे। अजय, इस ओवर एक्टिंग का कोई फायदा नहीं है। पहले बता चोट कैसे लगी? तू अपने मैच छोड़कर दूसरे के लफड़ों में पड़ने गया था ना? नहीं माँ, प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा हो गई थी इसलिए। जो मैच खेला ही नहीं उसके लिए प्रैक्टिस? मजाक करने का ये सही समय नहीं है आशा, प्लीज। सच में माता पिता अपने बेटों के लिए कई सपने संजो कर रखते हैं। कभी मंदिर ना जाने वाले मेरे पिताजी आज मेरे लिए मंदिर भी गए होंगे। अरे वाह भैया, डैडी ने जैसे कहा वैसे ही बोल रहा है। पिता का मन तो बेटे को ही पता होगा ना, बेटी को कैसे पता चलेगा? 18 साल तक यहाँ रहो और फिर शादी कर लो। ससुराल जाने के बाद तुझे डैडी की याद आएगी। बिना मैच खेले लौट आया और मुझे सुना रहा है। वापस लौट आने के लिए मैं क्या इतना बेवकूफ हूँ? ये मैच अगर इधर उधर हो गया तो नेशनल कप में मुझे एंट्री नहीं मिलेगी, ये बात मुझे वहाँ जाके पता चली। और पिताजी से ये बात बोलने के लिए मैंने तुझे तब कहा था जब मैंने तुझे कॉल किया था, तूने बताया नहीं। मुझे तो नहीं कहा तूने। जन्मदिन के सेलिब्रेशन में भूल गई होगी, जाने दो। डैडी, इस बार मैं नेशनल कप जरूर जीत कर लाऊंगा, कसम खाता हूँ मैं। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मेरी कसम मत खाओ। माँ मैं तेरी कसम, मेरी कसम भी मत खा। 10th क्लास में फर्स्ट रैंक लाऊंगा कहकर मेरी सास की कसम खाई थी, बेचारी दीवार पर टंग गई। अब वो क्या है कि दादी को थोड़ी जल्दी थी इसलिए। मैं आपकी कसम खाता हूँ डैडी। ओ मेरी माँ, सुबह से भूख लगी है, कुछ खाया नहीं, जल्दी खाने को दे माँ। अरे मेरी पूरी कहाँ गई? कौन सा पूरी, अमरीश पूरी या ओम पूरी? खाने की पूरी। खाली होगी? नहीं, तूने ही खाई होगी। हाँ बोल रहा हूँ। चाहे तो प्लेट देख ले, मेरी जो पूरी है मैं खा रहा हूँ। तो मेरी कहाँ गई? मुझे बताए तुमने कुछ किया है। मम्मी, भैया ने मेरी पूरी खा ली। अरे तुझे ज्यादा पूरी नहीं खानी चाहिए, चावल खा। या थैंक यू। Hey, मेरी पूरी कहाँ गई? हाँ, चोर आकर लेकर गया। क्या अभी छोटे बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो थोड़ी देर पहले खाई थी ना। माँ, डैडी को दही चावल दे दो। अरे चलो तुम लोग खाओ, मेरा खाना हो गया, मैं चला। ये लो पूरी, अच्छी है, खा लो। मेरी माँ बहुत अच्छा बनाती है। पानी पी ले अगर हिचकी आ रही है तो। मैं नहीं मम्मी। कौन है वहाँ? ए कौन है वहाँ? मैं ही हूँ डैडी। पानी लेके आऊँ क्या? नहीं नहीं मैं आता हूँ। चुप रहो। ये ले पानी पी ले। यही पी? अंदर जाके पीता हूँ। ये क्या भैया, दो आवाजें सुनाई दे रही है। वो क्या है ना, प्रैक्टिस में वोकल कॉर्ड थोड़ा हिल गया। प्रैक्टिस ज्यादा होने से स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है, वोकल कॉर्ड कैसे हिल गया? सही कह रही है। अरे वो है ना डैडी, मेरा फ्रेंड लड्डू, उसने मेरा गला पकड़ लिया था। सपना, तुम्हें घबराने की अब कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अमेरिका भेजने की सारी जिम्मेदारी अब से मेरी। कल ही तुम्हारे पासपोर्ट और वीजा का काम शुरू कर दूंगा। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं वैसे ही तुम तुम्हारे चाचा जी के पास अमेरिका जाकर पढ़ाई कर सकती हो। ओके, चलो अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गुड नाइट।
क्यों बड़े मंत्री साहब, अब वक्त मिला है आपको यहाँ आने का। अपने छोटे भाई पर हाथ उठाने वाले का सिर इसके पैरों में नहीं फेंक सकता तो तेरे मंत्री होने का क्या फायदा। तेरी सुरक्षा में 10-10 पुलिस की गाड़ियाँ और तेरे परिवार की सुरक्षा का क्या। थू, धिक्कार है तुझ पे। कौन है वो जिसने मेरे भाई की ऐसी हालत की। पता नहीं मालिक। कहाँ रहता है वो। पता नहीं। थू, धिक्कार है तुम लोगों पर। कम से कम ये तो बता वो लोग कहाँ गए। वो हैदराबाद की ओर गए मालिक। हैदराबाद। तेरा बड़ा भाई तुझसे वादा करता है वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हों उन्हें हर कीमत पर ढूंढूंगा और उस लड़की के साथ तेरी शादी कराऊंगा। ये होती है मर्दानगी। अब की तूने मेरे बेटे जैसी बात। छोटे, अब तो तेरी शादी होकर रहेगी। पहले उसकी मौत, उसके बाद मेरी शादी होगी। ए अजय, शेर की पूंछ पे टांग मत रख यार। वो रेड्डी कोई मामूली आदमी नहीं है। रेड्डी मतलब कहीं वो शिवा रेड्डी का भाई तो नहीं है। शिवा रेड्डी, वो कौन है। तू उसे नहीं पहचानता। अरे वो होम मिनिस्टर है, ये पूरा स्टेट उसी के हाथ में है। उसके हाथ से निकलना इम्पॉसिबल है। हाँ, तूने वैसे भी उस लड़की को भेज दिया ना, बस कुछ दिनों के लिए छुपा रहे। कहाँ भेज दूंगा, पासपोर्ट वीजा नहीं चाहिए क्या। मतलब वो लड़की यहीं कहीं है, उसे कहाँ रखा है। मेरे ही घर के रूम में छुपा कर रखा है। तेरे घर में यार, तेरे खुद के पापा को राक्षस से कम थोड़े। एक शेर के मुंह से निकालकर दूसरे शेर के मुंह में रख दिया। अरे तू उसे अपने घर में कैसे रख सकता है। फिलहाल मुझे वही सेफ लगा। इस सिचुएशन में लड़की को फॉरेन भेजना बहुत मुश्किल है यार। पासपोर्ट वीजा बनना कोई आसान काम नहीं है। वैसे भी गेम खेलना तो हमारी आदत है। अरे अजय, कब कहां कैसे गेम स्टार्ट करना है तू बता दे। कबड्डी का मैच भले ही हम लोग हार गए लेकिन ये मैच तो हमें जीतना ही होगा। यस, हर हाल में। ए सुन, हैदराबाद की इज्जत तूने मिट्टी में मिला दी। थू, अपने सड़े मुंह उठाकर वापस आ गए। ज्यादा मत बोल वरना। चलो तुम लोग। अरे ये तो गली में ही अपनी ताकत दिखा सकते हैं। वैसे भी ये ग्राउंड में तो अपनी ताकत दिखा नहीं सकते। हाय भाई, कंपटीशन जीतने वाले। गली कंपटीशन तो जीत दो पहले। ये मत बोल, हम लोगों ने तेरी टीम को कैसे हराया था। चल तो। तू इन लोगों को जवाब नहीं देगा क्या। अभी नहीं। अरे तुझे हो क्या गया है, तू ही है ना। हाँ ना, अभी कुछ नहीं करना है। तो इनकी बकवास ऐसे ही सुनते रहें। ए, और खेलने की बात तो बहादुर, तुम तो झगड़ा करने के लायक भी नहीं बचे। तुम्हारी सारी टीम को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। वो लोग बोलते जा रहे हैं, तू सुन रहा है। अरे अजय, इनकी बातें सुनकर मेरा खून खौल रहा है। तो सोच मेरा खून कितना खौल रहा होगा। जब तक मैं उस लड़की को सही सलामत अमेरिका नहीं भेज देता तब तक किसी के भी नजर में नहीं आना है। इस जोश को संभाल के रखो, सही वक्त आने पर हम दिखाएंगे। अबे इन लोगों को क्या हो गया, हमने इतना चिढ़ाया लेकिन कोई रिएक्शन नहीं। कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। तो उसमें तड़का लगाते हैं। सिटी बोर्ड के सारे चेक पोस्ट को अलर्ट कर दिया है सर। ट्रैफिक पुलिस को भी हमने इन्वॉल्व कर लिया है। अब वो हमारे ट्रैप से बच नहीं सकता सर। डिपार्टमेंट के सारे बेस्ट ऑफिसर को इस केस में इन्वॉल्व किया है सर। सर क्या कर रहे हो तुम लोग। तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रहा है या सिर्फ सो रहा है। खुद तो सो रहा है और ब्लेम पुलिस डिपार्टमेंट को कर रहा है। तुम लोग इस शहर का चप्पा चप्पा छान मारो। मुझे मेरे भाई की हालत देखकर बहुत तरस आ रहा है। वो मेरे भाई की होने वाली बीवी को भगा कर ले गया है। भगा कर नहीं, किडनैप करके। हाँ, किडनैप किया है। मुझे पता नहीं तुम लोग क्या और कैसे करोगे लेकिन 24 घंटे के अंदर उस लड़की को मेरे पास ले आओ और लड़के को खत्म कर दो। सपना, ये ड्रेस चेंज कर लो। हाँ। अरे लड़की के पासपोर्ट का क्या हुआ, मुझे वो कुछ भी नहीं पता, किसी भी तरह मैनेज कर। मैं बाद में बात करता हूँ। मम्मी, मैंने यहाँ पर ड्रेस रखी थी, कहाँ गई। किस ड्रेस की बात करी है। हा? जो मैंने यहाँ रखी थी। हमेशा तुझे मेरे कमरे में क्या काम रहता है, माँ के रूम में जाकर नहा नहीं सकती थी। मेरी फेवरेट येलो ड्रेस थी भैया। येलो ड्रेस का नाम इतना जोर से क्यों ले रही है। उस ड्रेस में आऊंगी ऐसा किसी से वादा किया था क्या। नहीं, शायद मैंने वार्डरोब में रख दी हो।
ये मेरा वार्डरोब है, कितनी बार बताना पड़ेगा इसे हाथ मत लगाया कर। ठीक है, तुम सही कह रहे हो, मुझे नहीं छूना चाहिए। इतने जोर से क्यों चिल्लाए? तुम्हें डराने के लिए, तुम डर गई ना? कुछ तो गड़बड़ है। देखो मेरी ड्रेस तुमने छुपाई होगी। अजय ले जूस पी ले। प्रैक्टिस अच्छी चल रही है ना? हाँ माँ अच्छे से चल रही है। जल्दी पीकर ग्लास दे दे। तुम जाओ ना, मैं दे दूंगा। पी ना। तुम जाओ ना माँ, मैं लाता हूँ। अरे अरे क्या हुआ माँ? जरा हट तो। क्या हुआ? हट ना माँ। मैंने कहा हट ना। कुछ तो गड़बड़ है, चल तू सामने से हट। चल हट। कुछ तो कमी है। गुड़िया है ना, तो जान कम लग रही होगी। हाँ इसकी कमी थी। माँ क्या हुआ? ठीक ही है ना माँ, मैं लगा देता हूँ। लाओ इधर लाओ, लाओ लाओ ना। देख तो अब कितनी सुंदर लग रही है। इतनी ही सुंदर लड़की तेरी पत्नी होनी चाहिए। हाँ ट्राई करते हैं। तुम चलो माँ, आओ, आओ आओ, ये ग्लास पकड़ो। मैंने नया सेल फोन लिया है। इस सिम कार्ड पर पहली आने वाली आवाज तुम्हारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने सावित्री को कुछ ना बोलकर पहला फोन तुम्हें किया है। अब नंबर बोलता हूँ, तुम लिख लो 9848032919। जल्दी फोन करो। हे तुम लोग कौन हो? सो स्वीट्स। नो स्वीट्स, काम बोलो। ओहो लगता है इनको शुगर है। शुगर है, गुड़ है, तुम्हें क्या? जल्दी बोलो काम क्या है। सर वो बात ये है कि इसके कजिन का पासपोर्ट। तो पोस्ट ऑफिस जाओ। यानी हाथ में नहीं दे सकते। सर ये जो पैसे हैं वो आपके हैं क्या? नहीं वो आपके हैं, चुपचाप उठा लो। ज्यादा होशियारी की तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हेलो, पांच किलो लड्डू बांध दे, पांच किलो जलेबी बांध दे। तुम अपनी स्वीट शॉप बाहर ले जाओ, यहाँ मेरा फोन आने वाला नहीं है क्या? जब देखो खाने की बात करते रहता है। अगर पासपोर्ट मिल जाता तो। पासपोर्ट तुम्हें पोस्ट ऑफिस जाकर ही लेना पड़ेगा। प्लीज यहां से चले जाइए, गेट आउट। फोन तो काफी अच्छा है। ए, वो अपना क्या नंबर बता रहा था? 9848032919। हाय डार्लिंग। डार्लिंग कौन है बे? एटोने, मैं शिवा बोल रहा हूँ। कहाँ है बे तू? देखो शिवा, ये टोनी का नंबर नहीं है, मेरा नाम सुब्रमण्यम स्वामी है और ये मेरा नंबर है। टोनी का नहीं है, रॉन्ग नंबर, टोनी का दूसरा नंबर होगा। एनीवेज थैंक्स फॉर कॉलिंग, रख दो अभी। ले अब तू कर। हाय डार्लिंग। हे टोनी।
बगल की बस्ती में लफड़ा हो रहा है, जल्दी निकल के यहाँ आने यार, तेरा इंतजार कर रहे हैं हम लोग। अरे भाई मेरा नाम सुब्रमण्यम स्वामी है, मैं पासपोर्ट ऑफिस में हूँ, मैं टोनी नहीं हूँ। इससे पहले भी किसी ने कॉल किया था, उसे भी बता दो मैं टोनी नहीं हूँ। काट दिया रे उसने। अभी लड्डू की बारी है, ये ले तू फोन कर। हेलो टोनी, मैं फिरोज है। और सुन, घर आते समय चिकन लाना मत भूलना। और सुन, साथ में मटन भी लाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। अरे क्यों बार बार रॉन्ग नंबर लगाते हो यार। मेरा नाम सुब्रमण्यम स्वामी है, मैं पासपोर्ट ऑफिस में काम करता हूँ, अभी फोन रख दे यार। क्या ला, मुझे दे, फिनिशिंग टच मैं देता हूँ। What darling? हेलो, हाँ मैं टोनी बोल रहा हूँ, मेरे लिए कुछ कॉल आया था क्या? अबे टोनी, तूने मुझे अपना पर्सनल टेलीफोन ऑपरेटर समझा है क्या? मैं एक पासपोर्ट ऑफिसर हूँ, मैंने एक नया सेलफोन क्या लिया, शिवा मुझसे मेरा एड्रेस मांगता है, दूसरा लफड़े के बारे में बताता है, और तीसरे ने तो सारी हदें पार कर दी, मुझ जैसे वेजिटेरियन से मटन चिकन की बातें करता है। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों परेशान करते हो? तुम लोग नहीं, ये फोन मुझे परेशान करता है। ना रहेगा फोन, ना रहेगी परेशानी। तू रुक। सर पासपोर्ट। कहाँ है पासपोर्ट? यही है सर। ये लो ले लो, मेरी जान छोड़ो। मिल गया सर, थैंक यू सर। अब दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। सर डार्लिंग जी का कॉल है। यार पासपोर्ट का काम तो हो गया, अब वीजा का काम जल्दी कर। तूने जो जिप्सी छुपाई थी ना भाई, वो पुलिस को मिल गई है। उसे ठीक से बाहर निकालो। अब क्या करें अजय? ए, तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इतने सारे लोग इकट्ठा हुए थे तो देखने आए कि क्या हुआ। क्या है यहाँ देखने के लिए? जाओ जाकर प्रैक्टिस करो। अब जाओ। अभी प्रैक्टिस करके ही आ रहे हैं। कप जीतने की कसम खाने से कुछ नहीं होता है, जीत कर दिखाना पड़ता है। अब अगर कप जीतना है तो जाओ प्रैक्टिस करो। सर इस फोटो ऑन द वे है सर। गुड, गो। स्निफर डॉग्स, वो तो सुनकर तुम्हारे घर तक पहुंच सकते हैं, फिर तो तुम्हारे पापा को पता चल जाएगा। अब तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। अरे जल्दी चलो सपना। कौन है ये सपना? सपना? कौन सपना? चुपचाप बताते हो या डैडी को बता दूँ? मैं तेरे हाथ छोड़ता हूँ, किसी को भी बताना मत प्लीज। ठीक है, कहानी क्या है? देखो आशा, तुम्हारे अलावा मेरा और कौन ख्याल रखता है? बहन हो या दीदी, दोनों भी तो तू ही है ना। असली बात बता दे छोटे, कौन है ये सपना? वो क्या है ना, सपना सपना। देख आशा, अब से तू जो बोलेगी वही होगा, चाहे तो ये रूम भी तू ही रख ले, बस तू किसी भी तरह इस मुसीबत से बचा ले प्लीज। हाँ भैया, तुम इसे
जाके टेरेस पे छुपा दो, अगर कोई आता है तो मैं देख लूंगी। थैंक यू लॉलीपॉप। सर, किडनैपर काफी होशियार लगता है। हमने पूरी कोशिश की लेकिन उसने किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं छोड़ा है सर। स्निफर डॉग से भी कुछ भी पता नहीं चल पाया सर। मुझे लगता है कि हमें मिसलीड करने के लिए जिप्सी इस इलाके में छोड़ा गया था। लेकिन ढूंढते रहो, रुकना मत, जरूरत पड़े तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का सपोर्ट लो। ओके ओके सर, गो। ए अजय, तेरे सीधे रास्ते घर नहीं जाने की आदत ने आज तुझे पुलिस से बचा लिया। ए अजय, उनके कुत्ते कुछ नहीं ढूंढ पाए, कोई क्लू नहीं मिला उन्हें। ए अजय, लेकिन लड़की सेफ है ना? सेफ है। तुझे पहले ही कहा था, तेरा बाप उसे नहीं छोड़ेगा, अपने घर में मत छुपा उसे। लेकिन तू हमारी बात सुनता कहाँ है, अपनी मनमानी करता है बस। वैसे वो लड़की है कहाँ? सपना, कहाँ है वो लोग? अरे वो रहे, चलो जल्दी। तो फिर मैं कल सपना को ले जाकर वीजा का काम देख कर आता हूँ, तुम लोग तब तक नेशनल गेम्स के लिए प्रोसीड करो। ओके। मैंने कहा था ना, मेरे भैया एक परी को लेकर आए हैं। देखो ये है वो परी। वाओ। तुम लोग इतनी दूर क्यों खड़ी हो? हाय हेलो तो करो। हाय। हाउ क्यूट। ए ए ए ए, ये सब क्या चल रहा है? ये लड़की कोई खिलौना है क्या? हाउ क्यूट बोले जा रही है ये? क्या पूरी पटन को अपने साथ लेकर आई है? इनके अलावा पूरे शहर में ढिंडोरा तो नहीं पीट दिया? चुप करो सपना, तुम बिल्कुल मत डरो, हम सब है ना यहाँ। कल तुम हमारे साथ स्कूल चलो। स्कूल? शू, अब और देरी नहीं कर सकते। लड्डू। हाँ बोलो जी। इन सबको ले जाकर आइसक्रीम्स, लॉलीपॉप, चॉकलेट्स और लड्डू भी दे देना। जा लेके जा इनको। ओके। कम ऑन बच्चों, चलो चलो, लड्डू खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, चलो चलो। क्यों भैया, तुम्हें कम नहीं पड़ जाएगा? हमें नहीं चाहिए। बच्चे। तो वही दिला देना जाकर। देखो डैडी आ गए। अच्छा जरा यहाँ आना, तो आओ ना। मैं नहीं आऊंगी। लॉलीपॉप, रुकने को कहा ना, तुझे छोड़ूंगा नहीं। लॉलीपॉप पकड़ो। कहाँ बात की? अच्छा रुक, अच्छा रुक, छोड़ूंगा नहीं तुझे, रुक जा। अरे संभाल के बेटा, गिर जाओगे। शायद घर वालों की याद आ गई होगी। अब क्या करेंगे भैया? आज कौन सा दिन है? दिन तारीख ये तुम्हें कैसे याद रहेगा? आज तो शुक्रवार है, फ्राइडे। सो आज तुम रो नहीं सकती। चाहो तो कल रो लो। हाँ, शायद कल भी तुम रोई थी, लेकिन आज मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। पीछे मुड़कर तो देखो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे जीसस। डेट ऑफ बर्थ, आज तुम्हारा बर्थडे। चलो केक काटो। लॉलीपॉप खड़े खड़े देख क्या रही हो, खिलाओ ना। ये किसके लिए लाई? हम्म।
दीक्षाभिषेक का समय हो गया है, आप जाकर स्नान करके आइए। ऐसा हुआ तो आप मर जाएंगे। वो अभी दीक्षा में है, नहाना वगैरह से दूर है, आप ऐसे ही अभिषेक कीजिए। दूध से, दूध से, दूध से चलेगा। हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना। हाँ उस लड़की की मूर्ति बनाई है, वैसे ही जैसे कलकत्ता में अमिताभ बच्चन की और तमिलनाडु में खुशबू की मूर्ति बनाई थी। हमारे मालिक उसकी ठीक उसी तरह से पूजा कर रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने। हैं प्रसाद चाहिए? ये कोई सत्यनारायण की पूजा है जो तुम्हें इसका प्रसाद भेजूं? और सुनो ज्यादा पब्लिसिटी मत करना, मैं रखता हूँ ओके? अरे बाप रे, कैसे 100 लीटर दूध, 50 किलो घी, 50 लीटर मक्खन ऐसे गटर में बाहर है, मुझ जैसे गरीब को दे देते। अगर ये बात जाके उसके सामने बोल दी ना तो तुम्हारे शरीर से खून निकाल के रक्ताभिषेक कर देंगे। वो इतना डरने की जरूरत नहीं है, बस वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, दिख नहीं रहा उसके प्यार में इतने पागल हैं कि दुनिया हिला सकते हैं। बड़े तू कहाँ है? एसी रूम में बैठकर ये क्या मीटिंग कर रहा है तू? कितने दिन लगेगी उस लड़की को ढूंढने को? यहाँ मेरा बेटा पागल हो रहा है, वो यहाँ विग्रह की पूजा करते करते खुद पत्थर बन जाएगा। अगर तुझे जरूरत लगती है तो बिहार से एक ट्रक और पंजाब से एक ट्रक आदमी मंगवा ले, वो लोग दुश्मन को ढूंढ निकालेंगे और जिस पर भी शक होगा उसे बस मारते जाएंगे। तुझे सिर्फ एक दिन का वक्त देती हूँ मैं, क्या करना है ये फैसला कर ले, चल छोटू। सुन लिया ना, मैटर उलट गया तो ऐसे ही फैसले होंगे। मेरी माँ के बारे में तुम लोग नहीं जानते, उनके डर से तो इस होम मिनिस्टर का दिल भी कांपता है, जो कहती हैं कर डालती हैं, संभल के रहना। इसमें उस लड़की का फोटो है सर, लीजिए। बहुत ही बुरा सपना था। अरे दोस्तों इस एरिया में नई लड़की कौन है? ये वही लड़की है ना जो उस दिन अजय के साथ डांस कर रही थी? वही समय यहाँ पे क्यों आ रही भाई? हे अजय में आए बदलाव और इस लड़की के बीच कोई कनेक्शन है क्या? चल जाकर उसी से पूछ लेते हैं। कर्नूल का कोड बताइए। 08518। उधर जाके फोन कर लो। इधर आ, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? चाय पीने आते सर। ये बात है, अब पी ली ना, चल अब निकल। तुम्हारा घर कहाँ है? यहीं पास में है सर। चलो मैं छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी सर। मेरा घर भी यहीं है बेटी, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करते हुए चला जाऊंगा। 1 मिनट, गाड़ी वापस ले जाओ सर। कब? चलो। तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा मैंने। कुछ दिन पहले ही आई हूँ, मैं अकेली चली जाऊंगी सर। ये एरिया इतना ठीक नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं हूं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, आ जाओ। यही है अंकल मेरा नया घर। ये घर? हाँ मैं चलती हूँ अंकल। हाँ अब यहां तक तो आ ही गया हूँ, तो क्यों ना तुम्हें घर के अंदर तक पहुंचा कर आ जाऊं। थैंक यू अंकल, गुड नाइट। और ये तुम्हारा? माय
वुड बी। मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? बुड्ढू चिपक गया, छोड़ नहीं रहा। कुछ तो करो, आइए ना। आइए ना, बैठिए ना अंकल। ए अंकल को जरा कंपनी दो, बैठ जाओ, जाओ बैठो। आप दोनों बात कीजिए, तब तक मैं अंदर जाती हूँ और पानी लेकर आती हूँ। आशा, आशा मेरी होने वाली ननद, अंकल को जरा नमस्ते करो। हे अंकल को नमस्ते क्यों नहीं कर रही हो? नमस्ते अंकल। मैं जाकर आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कौन है ये लड़की? ये इसकी होने वाली बीवी है और ये उसकी होने वाली ननद। तो तुम क्या लगी इसकी? सासुमा। अच्छा है, क्या फैमिली है। आधी रात को ये मुंह दिखाई की रस्में चल रही है, शर्मा के कहीं जा मत रुक। बेटी तो कितनी खूबसूरत है, ये बता कहाँ तक पढ़ाई की है? डांसिंग सिंगिंग ये सब आता है ना? आता ही होगा। मेरी सासुमा को मजाक करने की आदत है, फिर से क्या मुंह दिखाई माँ जी, अब तो बस शादी होने वाली है। ए अजय, मुझे बिना बताए मुहूर्त भी तय कर लिया तूने? मुझे भी तो अभी बताया गया है। ये क्या भाई, दूल्हे राजा कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्यों दूल्हे राजा, शादी तुम अपने घर में करोगे या फिर ससुराल में करोगे? उन सब से आपको क्या मतलब? मतलब इतनी भी जल्दी क्या है? लगता है अंकल को कोई काम ही नहीं है, शायद इसलिए घर बार भूलकर यहीं बैठ गए हैं और ऐसे कर रहे हैं जैसे इन्हीं का घर हो। हाँ दीजिए डैडी। अरे देख क्या रही हो, ऊपर खींचो। मुझे नहीं, इन्हें। जैसे खामखा तुम्हारे घर में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। हमारे लिए ये नॉर्मल है, तुम बेकार में परेशान मत हो। तुम्हारा नेशनल गेम भी पास आ रहा है, इस झगड़े में पड़कर तुम लोग प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे। फिलहाल हमारा एक नहीं बल्कि दो गोल हैं, एक तो तुम्हें अमेरिका भेजना और दूसरा नेशनल कप जीतना। मैं सोच रहा हूँ कहाँ छुपाऊं तुम्हें। जैसे चांद की चांदनी दिन में छुप जाती है, उसी तरह मुझे तुम्हें छुपाना पड़ेगा। Thank you.
मैं तुम्हें क्या बताऊं सपना, मुझे बड़े अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। कैसे ख्याल आ रहे हैं? उस चांद को लेकर मेरे बालों में सजाने का मन हो रहा है क्या? हे, उससे तो मेरा पीठ खुजाने का मन कर रहा है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। गाना तो बहुत अच्छा गाती हो, गाओ गाओ। सपना देखो प्लीज रुको मत, अपना दुपट्टा दो। अरे मुझे अपना दुपट्टा दो। वो क्या है ना, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। पता नहीं नींद कब लग गई। गाना खत्म हो गया क्या? देखते देखते सुबह हो गई। एक बात बताना भूल गया, तुम्हारा वीजा रेडी हो गया, कल दोपहर तुम्हारी फ्लाइट है। हाँ सर, वो हमारे एरिया में ही है। आप जिस लड़के को ढूंढ रहे हैं वो अजय है। हमने अपनी आंखों से उसे देखा है सर। बात मस्ती में ही रहता है सर। हाँ मालिक, चार मीनार के नजदीक है। सपना इधर आ। I love you. देखना एक महीने बाद नहाएंगे आज। ओए, ढूंढो रे, यही कहीं होगा। मम्मी। ओए, डीसीपी, चल बाहर निकल। कहाँ छुप के बैठा है? मिस्टर गोवर्धन, व्हाट इज दिस? आप किसके घर में आके न्यूसेंस करें, आपको पता भी है? ये क्वेश्चन मुझसे नहीं, अपने बेटे से पूछो, वो बताएगा। मेरी होने वाली पत्नी को भगा कर ले आया है वो। एक काम करो, उसे मेरे सामने लेकर आओ। जानते हो, आज तक कोई ऐसी लड़की नहीं है जो मेरी नजरों से बच पाई हो, और जिस लड़की से मैंने प्यार किया उसे तेरा बेटा भगा कर ले आया। दिमाग घूम चुका है मेरा, फिलहाल मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है। पुलिस वाले होकर भी तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हारे बेटे ने बारूद में चिंगारी लगाने की बहुत बड़ी गलती की है, अब तो उसकी खैर नहीं है। हाँ भाई, अंदर छत पर जाने का खुफिया रास्ता है। शेरा। हाँ भाई। ये जगह तो काफी सुंदर है रे। हाँ, एक तरफ मुझे सपना के हाथों मीठा पान खाने का मन कर रहा है, और दूसरी तरफ तेरे बेटे का सिर काटकर उसे चार मीनार पर लटकाने का मन कर रहा है। डीसीपी, तूने अपनी जिंदगी में बहुतों को मरते हुए देखा होगा। डीसीपी, खून की होली तेरे लिए आम बात होगी, लेकिन मैं तेरे बेटे का खून ऐसे बहाऊंगा जिसे तू साफ करते करते थक जाएगा, फिर भी साफ नहीं कर पाएगा। तुझे मैं एक दिन की मोहलत देता हूँ, इस बीच अगर तूने अपने बेटे को और मेरी होने वाली पत्नी को मेरे हवाले नहीं किया तो तेरी खैर नहीं। हा? तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? ये बाप बेटे दोनों चालू लोग हैं, हो सके तो समझाओ इन्हें। मेरी होने वाली पत्नी को भगा ले आए, इनकी की गई गलती की सजा तुम्हें भी भुगतनी पड़ सकती है। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, आग लगा दूंगा। ऐ, चलो रे। अजय, टिकट मिली या नहीं? मिल गई यार, याद रहे 3:30 की रिपोर्टिंग टाइम है, पहुंच जाना। सुन अजय, स्थिति काफी गंभीर है। 24 घंटे के अंदर तुझे और सपना को अपने हवाले करने की धमकी दी है उस रेड्डी ने। यहां से एयरपोर्ट दूर है, हम लोग कैसे पहुंचेंगे यार? ये सोच के मुझे बहुत डर लग रहा है यार। एक तरफ पुलिस है और एक तरफ रेड्डी के आदमी है, अपने एरिया के बारे में तो बताने की भी जरूरत नहीं है। और इन सब के बीच लड़की को एयरपोर्ट तो दूर, यहाँ से बाहर ले जाना भी खतरे से खाली नहीं होगा। हमारे हर एक मूवमेंट पर मुझे यकीन है उनकी नजर जरूर होगी, उनका नेटवर्क भी काफी हाई लेवल में है। उसमें कोई शक नहीं है, हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। ये तुम लोग अपने पास रख लो,
तुम चारों को ऐसे शो करना है कि तुम्हारा एक दूसरे से कोई नाता नहीं है, और मुझे उनके हर एक मूवमेंट के बारे में इन्फॉर्म करते रहो। वापस हम सब 3 बजे एयरपोर्ट पर मिलेंगे। किसी भी हालत में उस लड़की को यहाँ से भेजना होगा। तुम्हारे जाने की खबर सुनकर पता नहीं मुझे क्यों बहुत बुरा लग रहा है। वो शायद इसलिए कि बहुत कम समय में हम लोग अच्छे दोस्त बन गए हैं ना। वैसे तुम अमेरिका में पढ़ाई करने जा रही हो? पता नहीं, वहाँ पहुँच कर डिसाइड करूँगी। वापस कब आओगी तुम? वो भी नहीं पता। क्या कभी नहीं आओगी? नहीं मालूम। लेकिन पढ़ाई यहाँ भी तो हो सकती है ना। क्या बात है आशा, तूने सपना को भी रुला दिया ना। देख, ये पढ़ाई के लिए विदेश जा रही है, तो तू बेकार में क्यों रो रही है? लॉलीपॉप चाहिए क्या? मैं अकेली कहाँ रो रही हूँ, सपना भी तो रो रही है। ये देख इसके आंसू। ये क्या है, अब तुम्हें भी लॉलीपॉप चाहिए क्या? आशा तू ये क्या करती है यार, घर आए मेहमान को रुला देती है। और तू सोच तू क्या करता है, किसी के भी जज्बात को समझता है तू? सही कहा, तुम किसी के भी जज्बातों को नहीं समझते। मेरा मतलब कि मैं यहाँ से जा रही हूँ ना, तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लग रहा? इसमें बुरा क्या लगना, ये तो कितने खुशी की बात है। लेकिन मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, तुम्हें, तुम्हारे घर को, तुम्हारे फ्रेंड्स को छोड़कर जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अगर वैसा है तो मुझे भी बुरा लग रहा है। हाँ, तुम चली जा रही हो ना, तो ये चेजिंग, टेंशन, एडवेंचर्स कुछ भी नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे नेशनल कप भी तो लेना है, इसलिए मेरा प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। हाँ, इस बैग में कुछ कपड़े हैं, मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। रात में तुमने कुछ खाया नहीं ना, इसलिए खाने का सामान भी है इसमें। कपड़े चेंज करके जल्दी नीचे आओ। ए, सिक्योरिटी वाला जब तक ड्यूटी बदले तब तक हमें यहां से निकल जाना होगा। ठीक है। अब किसका फोन है? हेलो, सब गड़बड़ हो गया यार, तुम लोग कहां हो ये पुलिस को पता चल गया। कोई प्रॉब्लम हो गई अजय? यार रिपोर्टिंग टाइम में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तू पहले आशा को यहां से ले जा, चल जा। यस आंसरिंग। अजय, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, तुम यहां से बच के नहीं जा सकते हो। आर यू लिसनिंग टू मी? अजय, तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है, खुद को हमारे हवाले कर दो। आज कौन सा वार है? शुक्रवार। अब हम फंस गए हैं ना? कुछ भी मत बोलो यार, शुक्रवार ठीक 1:45 में यहाँ क्या होता है कुछ ही देर में देख लेना। अरे बैठ जाओ। हेलो 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 आंसरिंग। चलो अजय, पुलिस आ रही है, कम ऑन अजय, कम ऑन, आगे राइट में बाहर निकलने का रास्ता है, फास्ट अजय फास्ट। सर, नमाज पढ़ने के लिए सारे मुसलमान मस्जिद जा रहे हैं, वैसे भी ये काफी सेंसिटिव एरिया है, अगर हमने शूट किया और गलती से भी किसी को लग गई तो खड़े क्या, उन्हें ढूंढो। When search them, sir, all of you. Thank you.
हाँ बोल। से रेड्डी के गुंडे आ रहे हैं, संभल कर अजय। क्या है बताएगा? जरा दो मिनट होल्ड करेगा, इस फोन को पकड़ो। फोन दो। अरे दो। हाँ बोल। बस स्टॉप के पास एक वैन तैयार खड़ी है, AP 21-22-44। बाइक से तू ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। सपना बैठ जाओ। टेंशन की कोई बात नहीं, हम पहुंच जाएंगे। फ्लाइट के लिए अभी कितना टाइम है? अभी ठीक 40 मिनट बचे हैं। 40 मिनट बचे हैं ना? ठीक है, 40 मिनट बचे हैं, तो अब क्या? मुझे वो खाना है। पानी पूरी? तुम पागल हो गई हो, फ्लाइट का समय हो रहा है। 40 मिनट बचे हैं ना, प्लीज। जल्दी खाओ और चलो। सुनो, इसे जो चाहिए वो जल्दी दे दो। जी सर। हेलो। नहीं यार, पास में ही है, और 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके। ए, ये लड़की कहाँ गई? आपकी तरफ गई वो। कहाँ गई थी तुम? यहीं गई थी शॉपिंग करने। ऐसे टाइम पे शॉपिंग? बिना बोले ऐसे ही चली जाओगी? मैं कितना टेंशन में आ गया था जानती हो? अरे हम लोग तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हें उसकी जरा भी फिक्र नहीं है। नहीं क्या? मेरी वजह से एक बार मैच मिस हो गया, कम से कम इस बार तो तुम नेशनल गेम जरूर जीतना। मेरी याद में तुम्हारे लिए ये नहीं क्या? बेस्ट ऑफ लक। ये सही समय था इसके लिए? जो हुआ उसके लिए सॉरी। चलो। अच्छा सपना, अब बस थोड़ी ही देर में तुम
तुम्हारे अंदर अब भी कुछ खालीपन है। तुम्हारे चेहरे पर उदासी छाई हुई है, देखो तो। तुम्हारा चेहरा देखकर कोई भी समझ जाएगा। तुम्हारा इस तरह जाना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज। तुम कह रही थी मैं एक लड़की का मन नहीं समझ सकता, जरा वहां देखो। यहां ज्यादा देर रहना सेफ नहीं है, जाके इसे ड्रॉप कर दे। सपना, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। ये लो तुम्हारा पासपोर्ट, अंदर जाकर बोर्डिंग पास लो। तुम्हारा स्टूडेंट वीजा है तो ज्यादा कुछ फॉर्मेलिटीज नहीं होंगी। तुम्हारे सर्टिफिकेट्स और बचे हुए पैसे अंदर रखें, वहां जाकर कुछ कपड़े तो खरीद लोगी ना। ओके, मैं कुछ बताना भूल रहा हूँ। हाँ याद आ गया, कल शाम में मैंने तुम्हारे चाचा जी से बात की थी, वो कल तुम्हें रिसीव करने एयरपोर्ट आ जाएंगे। उनका नंबर इसमें लिख दिया है। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? वहां पहुंचने के बाद फोन तो करोगी ना? अरे वही तुम्हारे पापा को, उनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा ना। ठीक से चली तो जाओगी ना? वेरी गुड, कम ऑन चीयर अप, जाओ फ्लाइट का टाइम हो रहा है, बाय। अरे बाइक की चाबी दे, चलो प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, ग्राउंड पे मिलेंगे, कुछ ही दिन बचे हैं यार। सपना बैठो।
बिना मतलब किसी के झगड़े में नहीं पड़ना, ये कितनी बार समझाया था तुम्हें, लेकिन तुम आखिर तुम्हें क्या मिला ये सब करके? स्टेट लेवल के फाइनल्स तक जाकर वहां कुछ और कहानी बताकर बिना गेम खेले वापस आकर हमें बेवकूफ बनाया। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कितने सपने देखे थे, पर सब बर्बाद। और बहुत ही जल्द अब नेशनल गेम्स फाइनल्स होने वाले हैं और तुम यहां सलाखों के पीछे बैठे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? फूलों की माला तैयार हो गई है ना, पूजा की थाली भी तैयार रखना, भूलना मत। हाँ। नहीं तो ऐन मौके पे पूछ जाओगी। कैसा लग रहा हूँ? किसी विलन से कम नहीं लग रहे हो। बिल्कुल सही कह रही हो। लगता है तुम लोगों की ही नजर लगने वाली है मेरे बेटे को। तू उनसे क्या पूछ रहा है, चाहे कैसे भी बाल बना, कैसे भी सजदच, अपने बाप पर ही गया है तू। ये सब सजना सवरना तो चलता ही रहेगा, जाकर उस लड़की को भी मनाना शुरू कर दे। उस लड़की को दुल्हन बनाना है, कल रात 11 बजे शादी का मुहूर्त है। इस बीच वो लड़की कुछ गलत कदम ना उठा ले, उसे प्यार से समझा जा। I love you. सपना, मैंने सोचा तुम रो रही होगी। यहाँ तो तुम चिकन खा रही हो। मैं भला क्यों रोऊं? मैं तुम्हें रोते देख भी नहीं सकता। ए सपना, एक लेग पीस मैं अपने हाथों से खिलाता। बस मेरा पेट भर गया। तो बोलो, तुम्हें अपनी शादी में कौन सा गिफ्ट चाहिए? मेरे पति को पूछकर बताती हूँ। तुम्हारा पति? हाँ वही, काफी स्मार्ट दिखता है। याद नहीं आया, उस दिन कर्नूल में कॉन्डर एडी बर्सी सेंटर के पास तुम्हारे साथ फाइट करके मुझे अपने साथ ले गया था ना अजय, उसे भूल गए क्या? अच्छा वो, उसे तो बच्चा समझकर मैंने छोड़ दिया। वैसे भी अब वो पकड़ा गया है, किसी हॉस्पिटल में पड़ा होगा। ओहो रेडी साहब, वो क्यों हॉस्पिटल में रहेगा बताइए जरा। आपके ही गाँव से जब वो मुझे ले जा सकता है तो क्या वो यहाँ नहीं आ सकता? वो जरूर आएगा और मुझे ले जाएगा, मेरी गले में मंगलसूत्र बांधेगा, और आप चाहें तो आप भी शामिल हो सकते हैं। इतना भरोसा है उस पर? उसी के साथ इतने दिनों तक थी मैं, उसके बारे में पता नहीं होगा क्या मुझे? सोचा था तू अकेली लड़की है जिससे मैं शादी के बाद हाथ लगाऊंगा, लेकिन नहीं। चला जा, आजा आजा, चला जा, आज ही तुझे अपनी बनाकर रहूंगा। बहुत होशियार बनती है। सपना रुक, हाँ मेरे पास आ। ये पहले से ही ऐसा है, आज तक कोई इसे रोक नहीं पाया। सब लोग अंदर जाकर अपने अपने दरवाजे बंद कर लो, कोई बाहर नहीं आए। सपना, कहाँ भाग रही है तू? तुझे अपनी मर्दानगी दिखाता हूँ, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। चल आजा। एक औरत की पसंद नापसंद ना जानकर उसे जबरदस्ती अपना बनाने को तुम मर्दानगी कहते हो? तुम्हें मर्दानगी पता है क्या है? जब एक औरत खुद एक आदमी को अपने दिल में बसाती है, अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है, उसे कहते हैं मर्दानगी। जैसे कि मेरा अजय, अगर तेरे में हिम्मत है, तू खुद को मर्द समझता है, तो मुझसे शादी करने के लिए पहले उसे हरा, तो मैं खुशी खुशी तुझसे शादी कर लूंगी। और उसकी बजाय अगर तूने मुझसे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की या मुझसे किसी भी तरह का रिश्ता बनाने की कोशिश की, तो बेशक मेरा शरीर तो हासिल कर लोगे, पर मेरे मन से अजय को नहीं निकाल पाओगे। कोशिश कर लो। तेरी मेरी शादी होगी।
दीपा मेरे लिए पूरी दुनिया को तू ही जहां अब तक मैं थी उदास तुझ में कुछ तो है खास तू है मेरा कृष्णा सपने कब होंगे पूरे सिखा मैं करूं इंतजार जश्न मनाने का वक्त अभी है सही जल्दी करो देर हो न जाए कहीं तू सजना से गई दिनों से है दूर रही आखिर आई गई मिलन की घड़ी तड़पी है मेरी शादी होगी हो चाहे जो कर ले कोई धूमधाम से तेरी मेरी शादी होगी आया हूँ यहाँ पे अपने दिल भर के लिए इसमें हिम्मत जो मुझे रोक पाए सारी दुनिया की खुशी तूने मुझे दी चल मेरे संग जश्न मनाए ये मुझे बाहर चाहिए लेकिन इसके खिलाफ तो केस दर्ज किया हुआ है वो केस मैंने लिखवाया था अब मैं वो केस वापस लेता हूं मुझे ये बाहर चाहिए चला जा यार डीसीपी अपने बेटे के लिए तुम टेंशन ले रहे हो क्या
मुझे टेंशन अपने बेटे की नहीं है बल्कि तुम्हारी है। तो चल रहे ये सब क्या है रे? वहां पर वो, यहां पर तेरा बाप, इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहे तेरे लिए? तू कोई बहुत बड़ा तोप है? हाँ, उसने मुझसे शर्त रखी है कि तुझे हराने के बाद ही वो मंगलसूत्र मेरे हाथों पहनेगी, इसीलिए तुझे जान से मारने के बाद ही मैं दूल्हे का सेहरा पहनूंगा। सिगरेट है क्या? इसे पता चल गया है कि ये मरने वाला है। आखिरी इच्छा है, सिगरेट दे इसे। आहा, हम लोग अपनी मंजिल पे पहुंच गए। ए, सामने गाड़ी लगा। ओए, हथियार ले आओ। ए, आ जाओ सब लोग। पिछली बार तो ये तुम लोगों से बच गया था, लेकिन आज जिसे जो भाग चाहिए वो ले लो। क्या तुझे हिंदी फिल्मों का शौक है? हाँ, मुझे शौक है। तो हिंदी फिल्मों में विलन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, आखिर में जीतता हीरो ही है। आहा, इसका मतलब मैं विलेन हूं और ये हीरो है। लेकिन यहां ये नहीं हो सकता, तुझे घेर कर मेरे लोग खड़े हैं। उनको घेर के मेरे लोग खड़े हैं। सफेद कपड़ा पहन लिया तो क्या सारे विलेन के आदमी? याद रखिए, तेरा इलाका नहीं है बल्कि मेरा इलाका है। ये ले, उड़ा दे इसको। ए, आज रात हमें नेशनल कप जीतना ही होगा। यस। और सपना, जब दूल्हा ही यहाँ है तो वहां शादी कैसे होगी? तो अब इसका क्या करें? स्टेडियम में लेकर आ जा, मैच देखेगा। नेशनल गेम टूर्नामेंट कबड्डी फाइनल थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है। दर्शकों की मौजूदगी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रही है। अजय, जो चार मीनार के लिए बहुत बेहतर प्रदर्शन करते आ रहे हैं, आज देखते हैं कि अपना जलवा दिखा पाते हैं या नहीं। दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होते हुए, वार्म अप करते हुए, हमारी तरफ से दोनों ही टीमों को शुभकामनाएं। दोनों टीम के कैप्टन ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और खेल की शुरुआत। आंध्रा टीम के कैप्टन अजय ने गेम की शुरुआत कर दी है और ये पंजाब के टीम के खिलाड़ियों को मात देने की कोशिश, लगातार कोशिश कर रहे हैं, बेहतर कोशिश। और ये भागते हुए एक किक देने की कोशिश। अरे सुनो भाई, गोवर्धन सर का कोई ऐसा पता नहीं, तुम्हें पता होगा। अरे पिए, हमारा दूल्हा कहाँ गायब हो गया? मैं सबको फोन लगा के वही तो पूछ रहा हूँ, पर किसी को कुछ पता नहीं। सुनो माँ जी, क्या हुआ? रेड्डी साहब कहाँ गए? कौन रेड्डी? कौन रेड्डी? तुम्हारा बेटा जिसकी आज शादी है, गोवर्धन। कहाँ है वो? मुहूर्त का समय हो रहा है। सुनो पंडित, इससे मंत्र पढ़वा लो तब तक। आंध्रा की टीम के खिलाड़ी ने रेस स्टार्ट किया और ये अटैक करने की कोशिश, उनके ऊपर चारों तरफ से घेर लिया और ये अपनी टीम में वापस चला गया। आंध्रा की टीम की तरफ से लड्डू, बहुत जबरदस्त कबड्डी खेलते हैं ये। विरोधी टीम के बीच में उन्हें मात देने की कोशिश, चकमा दे रहे हैं। एक किक और इधर पकड़ लिया गया, देखते हैं क्या होता है। और ये इनकी सांस टूट गई, पॉइंट पंजाब को। इस तरह से पंजाब की टीम 28 और आंध्रा की 23। अगर आंध्रा को पंजाब की बराबरी करनी है तो उन्हें और भी पॉइंट करने होंगे, लेकिन जो हालत दिख रही है, हमें नहीं लगता है कि वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार उनकी तरफ से पॉइंट्स गिर रहे हैं और पंजाब के पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। उनके खिलाड़ी लगातार मात खा रहे हैं।
आजा। अरे अपने खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं और ये एक और पॉइंट। इस तरह से पंजाब आंध्रा से और भी आगे बढ़ते हुए। ए, इधर आ। फोन फोन फोन। सर कहाँ है सर आप? सर माँ बात करना चाहती है। मालकिन फोन लीजिए, गोवर्धन सर का फोन है। हेलो, अरे तू कहाँ रह गया? तेरे भाई ने तुझे पूरे शहर में छान डाला। मुहूर्त का समय हो रहा है, तू जल्दी से आ जा। मैं वहां नहीं आने वाला हूँ, उसे यहाँ लेकर आओ। आज अपने आशिक की मौत वो देखेगी। तू कहीं पागल तो नहीं हो गया है ना? देख यहाँ लोग आए हैं, भीड़ जमा है, अच्छा नहीं लगेगा। तू जल्दी आकर मंगलसूत्र बांधे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। छे, क्या माँ तू ही? आज तुझे माँ कहते हुए शर्म आ रही है? उसने मेरी मर्दानगी पर सवाल किया है और मैं एक नामर्द की तरह उसके गले में मंगलसूत्र बांधू? तुम उसे लेकर यहाँ आ जाओ, आज मैं उसे बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। उसकी तो मैं ले। और सुन, शादी यहाँ नहीं वहाँ है। लास्ट राइट। लास्ट राइट। पंजाब टीम 10 पॉइंट से आंध्र प्रदेश से आगे है। आंध्रा के कैप्टन अजय क्या पंजाब के सभी खिलाड़ियों को मात दे पाएंगे? देखते हैं उनका उत्साह। और ये आखिरी राइड के लिए तैयार पंजाब के खिलाड़ी स्ट्रेटजी बनाते हुए अजय के खिलाफ। और ये अजय ने कर दी शुरुआत। अजय का राइड शुरू हो चुका है। पंजाब के खिलाड़ियों को मात देने की कोशिश। और ये मात दिया एक खिलाड़ी को, दूसरे की तरफ बढ़ रहा है। अजय दिया एक किक और ये दूसरा किक। और ये तीन खिलाड़ी चार। और पूरी तरह से पंजाब के खिलाड़ियों ने अजय को दबोच के रखा हुआ है। देखते हैं क्या होता है। और इस तरह से अजय ने सलाम दी और लाइन छूने की कोशिश। पकड़ा हुआ है उनको पंजाब के खिलाड़ियों ने। देखते हैं क्या होता है। उनकी सांस नहीं टूट रही है। उन्होंने पूरी कोशिश की है। देखते हैं पंजाब के खिलाड़ी पूरा जोर लगाते हुए अजय अपनी टीम को हारने नहीं देना चाहते हैं। पूरा जोर लगा रहे हैं। और ये एक एक कदम करके लाइन की तरफ बढ़ते हुए पंजाब के खिलाड़ियों ने नीचे निकलने की असफल कोशिश कर रहे हैं। और ये अजय शायद पूरी स्ट्रेटजी नहीं कर रहे हैं। और इस तरीके से अजय ने लाइन बंद कर दिया। दोनों में से मर्द कौन है ये आज साबित हो जाएगा। ए, तेरी माँ आज तुझसे बोलती है। माँ का दूध पिया है तो हार के मत आना। आज हो जाए मौत की कबड्डी। We'll be right back.
एसीपी को फोन करो, सारे स्टेट की पुलिस फोर्स को यहाँ मंगवा लो। आप जब सोते हो तो अच्छा रहता है, वरना बकवास फैसले करते हो। और नहीं तो कैसे, आप ही कैसे भूल गए कि हम सबके बीच खड़े हैं। बहुत बड़ा मंत्री बन गया है तू, तेरे बस की बात नहीं है। अब देख तेरी माँ क्या कमाल करती है। अरे ओए, अरे उसे यहाँ क्यों ला रहा है, यहाँ मतलब? अरे अरे ये क्या कर रहा है, अरे अरे ये तो मेरी जान ही ले लेगा। अरे अरे दूर हट, अरे हे भगवान, अरे अरे कोई तो बचाओ, कहाँ जाओ कहाँ जाओ। अरे मेरे पीछे बता, हथियार निकालो। सर माँ तो गई, अब भाई भी चला जाएगा, फिर कुर्सी चली जाएगी और पद चला जाएगा। ये सब सोते समय हो गया, यही सोचकर आंख बंद कर लीजिए सर। अरे बाप रे, मुझे तो कैसे कैसे आइडियाज आ रहे हैं। कौन से आइडिया? वो चांद और तारे दिख रहे हैं ना, वहाँ तक तुम्हें ले जाने का मन कर रहा है। मुझे वहाँ नहीं जाना, बस तुम्हारे साथ रहना है।